Hello folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hey, hello everyone, how are you all? Hope you all are fit as fiddle. So today we're gonna start. Okay, so as you all know that in our previous video we talked about pronouns, okay, and we did some exercises also, and today we're gonna do the remaining exercise. But before doing the remaining exercise, let's have a quick recap of pronouns, okay? Exercises करने से पहले pronouns का एक recap कर लेते हैं कि हमने पिछले video में कौन से pronoun के बारे में discuss किया था, okay? So let's start. We discussed about personal pronoun. So personal pronouns use किए जाते हैं people, thing and animal के लिए use किए जाते हैं, okay? Personal pronoun में कौन-कौन से pronoun हम use करते हैं? हम subjective pronoun use करते हैं और objective pronoun use करते हैं. सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उन नाउंस के लिए जो सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उन नाउंस के लिए जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं. मैं बता दूं आपको कि जो सब्जेक्ट होता है वो मेनली आपको सेंटेंस के शुरू में मिलता है और ऑब्जेक्ट आपको लास्ट में मिलता है, ओके? तो जब भी आपको कोई नाउन सब्जेक्ट की जगह पर दिखे तो हम यूज करेंगे ही, शी, इट, आई, यू, वी एंड दे. लेकिन इनको यूज करने के लिए भी एक रूल है. अगर किसी मेल का नाम है नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं ही, फीमेल की बात होती है तो हम यूज करते हैं शी, एनिमल और थिंग की अगर हम बात करते हैं तो यूज करते हैं इट, और अगर हम प्लूरल नंबर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आ गया राम एंड श्याम, दो नाम है तो वो प्लूरल हो गए, तो उनकी जगह हम यूज कर सकते हैं यू, वी एंड दे. लेकिन अगर दोनों नाम अलग अलग है तो हम यूज करते हैं दे, अगर हम खुद सब्जेक्ट में शामिल है तो हम यूज करते हैं वी. फॉर एग्जाम्पल आई एंड नेहा, तो यहां अगर मुझे प्रोनाउन यूज करना है मैं यूज करूंगी वी, बिकॉज आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, ओके? नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो जब भी ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको कोई मेल दिखे तो हम यूज करते हैं हिम, फीमेल दिखे तो हम यूज करते हैं हर, अगर कोई एनिमल या थिंग हो तो हम यूज करते हैं इट. नेक्स्ट अगर हमारी बात होती है तो हम यूज करते हैं मी, किसी और की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कैन यू शो मी द वे, और कैन यू शो मी द वे में यू को क्या हो गया, सब्जेक्ट. अस यूज करते हैं जब हम खुद किसी चीज में इंक्लूड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेहा गेव अ पेन टू मी एंड रेखा, तो मी एंड रेखा क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो उसमें हम यूज करेंगे अस. अगर दोनों ही नाम अलग है तो हम यूज करते हैं देम का, ओके? इसी तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं. दूसरा हम यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव शब्द बना है पोजेशन से. इट मीन्स जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार जमाते हैं तो हम यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन का. फॉर एग्जाम्पल इसमें आते हैं माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, हिज एंड इट्स. फॉर एग्जाम्पल दिस बोर्ड इज माइन, दिस पेन इज माइन, दैट कार इज हर्स, दिस सेलफोन इज योर्स. इसमें हम अधिकार जमा रहे हैं अपना या किसी दूसरे का अधिकार, उसे बता रहे हैं कि ये चीज तुम्हारी है या ये चीज उसकी है. तो इस तरीके से हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. नेक्स्ट हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज और दोज का हम यूज करते हैं. दिस और दैट का हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, दीज और दोज का यूज करते हैं प्लूरल के लिए. दिस का यूज करते हैं पास वाली चीज के लिए और दैट का यूज करते हैं दूर वाली चीज के लिए. नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है क्वेश्चन, चाहे वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, हमेशा क्वेश्चन की बात होती है. अब हम बात करें इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल हु आर यू, यहाँ पे हु जो वर्ड है वो क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ओके? इनमें आते हैं सारे डब्ल्यूएच वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हूज, सारे क्वेश्चन वर्ड्स जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आपको मिल जाते हैं. तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन. होप आपको समझ में आ गए होंगे. नाउ वी विल डू द रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ आवर चैप्टर, ओके? दिस इज आवर एक्सरसाइज. व्हाट वी विल हैव टू डू इन इट, दिस पैसेज हैज गिवन टू अस, we will underline the pronoun and state its kind. Okay, so let's start. Ram and Shyami were cousins. Ram aur Shyami jo hai wo cousins the. One day they returned home after playing outside. Ek din wo dono bahar khelne ke baad ghar par wapas laute. They kya hota hai, personal pronoun. Okay, what is next? They ran to the kitchen to get something to eat. Wo dono kitchen jaate hain kuch khane ke liye dhoondne ke liye.
अब देखिए पहले ही हम पर्सनल प्रोनाउन कर चुके हैं सो इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट इट अगेन। इन द किचन, किचन में दे सॉ अ कैट, वो एक बिल्ली को देखते हैं। इट वॉज, इट भी क्या होगा पर्सनल प्रोनाउन, इट वॉज लैपिंग अप द मिल्क, वो दूध चाट रही थी। दैट हैड बीन कैप्ट फॉर देम, जो उनके लिए रखा गया था। अब ये दैट जो है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव ना होकर रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वॉट, विच, वेयर, वेन और दैट। इट मीन्स कुछ क्वेश्चन वर्ड्स और साथ ही में दैट। जब ये दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं तो इनको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, जो उनके लिए रखा गया था। देन भी क्या है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? राम स्क्रीम्ड एंड सेड, राम चिल्लाया और कहा व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है। व्हाट क्या होगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज नेक्स्ट? ही वॉज अफ्रेड ऑफ कैट्स, उसे बिल्लियों से डर लगता है। ही क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। ही हैड ऑलवेज डिसलाइक देम, देम हम पहले यूज कर चुके हैं, वो हमेशा से बिल्लियों को नापसंद करता है। पॉइंटिंग टू द कैट, बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए ही सैड, उसने कहा दैट हैज टू गो, उसे जाना पड़ेगा। दैट यहाँ पे क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ही स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द किचन, और वो किचन से बाहर चला जाता है। व्हाट इज नेक्स्ट? श्यामी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ कैट्स, श्यामी को बिल्लियों से डर नहीं लगता है। शी शूइड इट अवे, वो इसे डराकर दूर भगाती है। शी क्या होगा यहाँ पे? पर्सनल प्रोनाउन। और इट भी क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। ओके, राम केम बैक इनटू द किचन, राम किचन में वापस आता है एंड सेड और कहता है थैंक्स फॉर सेविंग द फूड, खाना बचाने के लिए धन्यवाद, दैट वाज आवर्स, जो हमारा था। आज क्या होगा यहाँ पे? पजेसिव प्रोनाउन। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? श्यामी थैंक्ड हिम, हिम क्या होगा यहाँ पे? पर्सनल प्रोनाउन फॉर हिज स्वीट वर्ड्स, श्यामी उसके मधुर शब्दों के लिए उसको धन्यवाद देती है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव्स हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, हम यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स का। ओके, ये आप कह सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स का, बट बिफोर सॉल्विंग दीज वी शुड नो द क्वेश्चन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग एंड हाउ विल हैव टू यूज देम। हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं, उनका मीनिंग क्या होता है और कैसे उनको यूज करना होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड वी हैव व्हाट, इसका मीनिंग होता है क्या। जब भी हमें इंफॉर्मेशन पूछनी होती है तो हम यूज करते हैं व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, इट मीन्स वी वॉन्ट टू नो द इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। ओके, नेक्स्ट इज वेयर, कहाँ। Whenever we want to know the place, जब भी हम प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं where का। For example, where do you live? तुम कहाँ रहते हो? Where is your school? तुम्हारा स्कूल कहाँ है? Okay? Next is when, it means कब। जब टाइम का हमें पता करना हो तो हम यूज करते हैं when. For example, when do you get up? तुम कितने बजे उठते हो? Next is why, क्यों। Whenever we want to know the reason, जब हम reason जानना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं why. For example, why were you absent yesterday? तुम कल absent क्यों थे? Okay? What is next? How? कैसे? It means we want to know the manner, the way. हम तरीका जानना चाहते हैं. Okay? How have you made this? तुमने ये कैसे बनाया? Okay? Next is whose? इसका मतलब होता है किसका, किसकी. Whom? किसको. Next is which? कौन सा, कौन सी. Okay? Okay students, this is our next exercise. हमें answer दिया हुआ है और हमें क्या बनाना है? क्वेश्चन बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज, देयर आर थ्री एप्पल्स ऑन द टेबल, दे आर रिमीज। टेबल पे तीन एप्पल्स हैं और वो तीनों किसके हैं? रिमी के हैं। और जो क्वेश्चन वर्ड हमें दिया गया है वो है हूज। तो हम बनाएंगे हूज एप्पल्स आर दीज, देन द लास्ट वी विल पुट क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? माय फेवरेट बुक इज द विंड इन द विलोज, और क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास विच। हम लिखेंगे विच इज योर फेवरेट बुक। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? शी गेव हर कैप टू हर ब्रदर, एंड द क्वेश्चन वर्ड वी हैव होम। हम लिखेंगे होम डिड शी गिव हर क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास विच। हम लिखेंगे विच इज द लार्जेस्ट
continent. Okay? And in the last, we will put question mark. Okay? Okay, what is next? I like to paint in my free time. And the question word is what? So the question will be, what do you like to do in your free time? Okay, what is next? These smelly socks are Rishi's. And the question word is whose? So the question will be, whose smelly socks are these? Ye smelly socks kiski hai? Okay, what is next? I was having a discussion with a scientist. So the question will be, who was having a discussion with a scientist? Okay, what is next? Mitali loves her father the most. Whom? Mitali kisko sabse zyada pyar karti hai? Her father. So the question will be, whom does Mitali love the most? Okay, sorry, question mark will be here. What is next? The teacher told Rehan to prepare for the test. Okay, so the question word is what? What did the teacher tell to Rehan? Okay students, so this is your last exercise, and what you'll have to do in it, a short story has given to us, and the underlined words will have to use some pronouns. Okay, so let's start. The two frogs had lived in a village all their lives. Do frog apne pure life sirf ek hi gaon mein reh chuke the. The two frogs, and for two frogs we have used a pronoun they, and it's a personal pronoun. Thought they would like to go and see the big city that was about 10 miles away. तो उन दोनों ने सोचा कि हमारे गांव के नजदीक 10 मील दूर एक सिटी है, हमें वो देखकर आनी चाहिए. The two frogs, और two frogs के लिए हमने कौन सा pronoun use किया है? They, so we will use this. They talked about seeing the city. Seeing the city के लिए हमें use करना है pronoun, so we will use here it. Okay? For a long time, मतलब सिटी को बहुत देर तक देखने के बाद, and at last they sat off the city. वो सिटी के लिए निकले. They had only gone a little way when one said to other. वो थोड़ा दूर ही गए थे. Two of us के लिए हम use करेंगे we. Must be nearly there. हमें नजदीक ही होना चाहिए. Can the other frog? Other frog के लिए हम use करेंगे it. अगर other frogs होता तो they use करते. Okay? What is next? क्या होता है? दोनों frog अपना गांव छोड़कर एक दूसरा शहर देखने चले जाते हैं. What happens next? No, said the other frog. दूसरे frog ने कहा नहीं. But if I climbed on your back, I might be able to. लेकिन अगर शायद मैं तुम्हारी back के ऊपर चढ़कर देखूं तो शायद मुझे वो शहर दिख जाए. What is next? So the other frog. इसीलिए जो दूसरा frog था. The other frog के लिए हम यहाँ use करेंगे it. Because for animals and things we use the pronoun it. अगर यहाँ कोई man होता तो हम use करते ही. और अगर कोई woman होती या female होती तो हम use करते she. Climbed up on the back of the other frog. इसीलिए जो पहला वाला frog था वो दूसरे वाले frog की back पे चढ़ जाता है to see the city. वो शहर देखने के लिए. But this frog climbed up facing the wrong way. लेकिन ये जो ऊपर चढ़ता है पहले वाले की back पे, ये wrong side पे face करके चढ़ता है. Now when the other frog lifted his head. इसीलिए तो जैसे ही वो अपना सर ऊपर उठाता है देखने के लिए, his eyes could only see what was behind. इसीलिए उसकी आंखें क्या आप देख पाती हैं, जो सिर्फ उसके पीछे था, ना कि वो जो उसके आगे था. सो द अदर फ्रॉग, इसीलिए इट. सो द विलेज दे हैड जस्ट लेफ्ट, और जो कि वो रॉन्ग साइड अपना फेस करके देखता है तो उसे वही गांव दिखाई देता है जो वो छोड़ चुके थे. ओके, कैन द अदर फ्रॉग, द अदर फ्रॉग के लिए हम यहाँ यूज करेंगे यू. कैन यू सी द सिटी, क्या तुम शहर देख सकते हो? एज द फ्रॉग हु वॉज बिलो, उस
फ्रॉग ने पूछा जो नीचे की तरफ था. ओके, एक फ्रॉग नीचे था और दूसरा फ्रॉग उसके ऊपर चढ़कर शहर देख रहा था. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? यस, आंसर द फ्रॉग हूज क्लाइम्ड अप. ओके, वो जो फ्रॉग ऊपर चढ़ा था वो आंसर कहता है यस आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ. व्हाट इज दिस, ये क्या है? हु वुड हैव थॉट इट लुक्स लाइक दैट विलेज ऑफ, कौन सोचेगा या कौन सोच सकता है कि ये बिल्कुल हमारे गांव जैसा दिखता है. तो यू एंड मी की जगह हम यूज करेंगे. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? द अदर फ्रॉग सेड, तो दूसरा फ्रॉग कहता है व्हाट यू जस्ट टोल्ड मी इज अनबिलीवेबल. सो व्हाट यू जस्ट टोल्ड मी के लिए हम यूज करेंगे दिस इज अनबिलीवेबल, कि भाई इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता. व्हेन यू एंड आई गो बैक टू द विलेज, यू एंड आई के लिए हम यूज करेंगे वी, कि जब हम गांव वापस जाएंगे एवरीवन इज गोइंग टू लाफ एट दिस टेल. Tale, it means a short story. तो हमारी कहानी के ऊपर सब हंसने वाले हैं. Then the frogs thought that it was not worthwhile going further. उसके बाद दोनों frogs सोचते हैं कि आगे जाने में कोई फायदा नहीं है. Both of them के लिए हम use करेंगे they went back, अपने गांव वापस चले जाते हैं and told the frogs, और बाकी frogs को बताते हैं that they had seen the city, कि वो शहर देख चुके हैं and it was just like the village they belong to. और द विलेज दे बिलोंग टू के लिए हम यूज करेंगे, यहाँ होता द विलेज वी बिलोंग टू तो हम यूज करते आर्स, दे बिलोंग टू है तो हम करेंगे देयर्स. ओके, दैट्स इट स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर प्रोनाउन. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.